अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि विद नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है बम्बई बिरयानी, और बम्बई बिरयानी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर चावल लिए, इनको हमने भिगो कर रख दिया है। ये पुदीना है, पुदीना हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग इसकी बिरयानी की तहें लगाएंगे। तो उन तहों में हम लोग इसके साथ जो मतलब पुदीना है उसको उस वक्त हम लोग इसकी लेयर लगा कर इसको अंदर शामिल करेंगे बिरयानी में, क्योंकि इसकी वजह से इसका जो सा अरोमा, फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम लोग स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने तमाम तर जितने स्पाइसेस हैं सबके सब हम वजन मतलब दो दो चम्मच 2 टेबलस्पून हम लोगों ने लिया है। रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून ही हम लोगों ने, सॉल्ट और दादरी मिर्च, काली मिर्च जौन सी है वो हमने 1 टेबलस्पून, जीरा भी 1 टेबलस्पून और जौन सा ये हल्दी पाउडर ये भी 2 चम्मच हम लोगों ने लिए हैं। इमली और बिरयानी मसाला और यहाँ पर पड़ा है चिकन। तो हमने इस रेसिपी को शुरू करने के लिए क्योंकि पहले मसाला तैयार करना था, मसाले के लिए हम लोगों ने जो से प्याज है वो पकने के लिए रख दिए हैं ताकि जो सा हमारा टाइम ज़ाया ना हो, और टाइम कंज्यूम करते हुए हम लोगों ने पहले प्याज रख दिए और आपके साथ इस रेसिपी को हम लोगों ने शेयर कर दिया है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि जो बिरयानी किस तरह तैयार होगी, क्योंकि आज की रेसिपी हमारी हैदराबादी बिरयानी है और बिरयानी के सब लोग बहुत दीवाने हैं। तो आप लोगों ने व्यूअर्स इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें। तो ये है प्याज जो हम लोगों ने पकने के लिए रख दी है। तो मैंने कहा आपको इसका भी एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूं। तो ये पक जाते हैं और आपको फिर दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो सी हैदराबादी बिरयानी है वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह तैयार होगी। तो वीवर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखो। तो वीवर्स, प्याज अब हमारे जो से गल चुके हैं, तो इसके अंदर जो से चिकन है वो मम्मा शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना अब चिकन डाल दिया, तो ये पानी भी साफ सूख जाएगा और चिकन गल भी जाएगा। फिर इसमें ना मसाले डाल, ऐसे ना जल्दी से हो जाएगा काम। ये प्याज भी हो जाएंगे और गोश्त भी गल जाएगा, फिर मसाले डाल के, इमली डाल के ना इंशाल्लाह जल्दी से हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। पानी सूखने का इंतज़ार करते हैं। हाँ जी, ये ना मैं मसाले डाल के ना फिर भूनती हूँ अच्छी तरह। ये देखो सारे मसाले डाल दिए, अब इसे भूनती हूँ। जो बाजार वाला मसाला है ना वो भी मैं ना इसमें डाल देती हूँ, अच्छी तरह भूना जाएगा। फिर बाद में ना मैंने ना इमली भी डालनी इसमें भी, ये अब मैं वो वाला मसाला भी डाल। हाँ जी, ये मैंने पैकेट का मसाला भी डाल दिया। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसका ना घी का इंतज़ार करते हैं, हल्की आंच पे ना मैं रख देती हूँ। तो अब ना मैंने इमली भी डाल देती हूँ, ये देखें इमली भी ना रख जाएगी इसमें, इमली भी मैंने डाल दी है। इमली डाल के ना अच्छी तरह ना मैं मिक्स कर देती हूँ। ये ना हमारा बिरयानी का मसाला तैयार हो गया। अब हल्की आँच पे ना 10 मिनट के लिए ना रखते हैं इसे पकने के लिए। इसमें भी घी आ जाएगा, फिर ना चावलों में डाल के ना दम दे। यहाँ पर हम लोगों ने चावलों के लिए पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो इसके अंदर हम लोगों ने नमक डाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग पानी को पकाते हैं, उसके बाद के अंदर जो से है वो चावल शामिल करके बॉयल कर लेते हैं बिरयानी। जी, तो व्यूअर्स, अब हम लोग चावल शामिल कर रहे हैं, उबाल रहे हैं। एक दाना रख के ना, मतलब एक कनी रख के, हाँ जी एक कनी रख के, तो वो ना निचोड़ लेंगे। फिर उसके बाद तह लगा के ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है। जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने जो से चावल है वो बॉईल कर लिए हैं, और अब यहाँ पर मम्मा जोन सी इसकी मैंने ना थोड़ा सा घी भी डाला इसमें नीचे, ठीक है, मतलब जो चावल है वो नीचे से लगे ना, तो हम लोग थोड़ा सा इसको ग्रीस किया है ऑयल के साथ। हाँ जी, और अब यहाँ पर मम्मा तह लगाएंगे, क्योंकि व्यूअर्स आप लोग को पता है आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है बम्बई बिरयानी, और बम्बई बिरयानी हम लोग यहाँ पे तैयार करें। सब लोग बिरयानी के बहुत शौकीन हैं, तो अब आप लोगों के विद नाज़रीन के थ्रू बआसानी जो सा है बम्बई बिरयानी घर में बना सकते हैं। मसाला हम लोगों ने तैयार कर लिया था, और एक चावल भी हम लोगों ने बॉयल कर लिए। चावलों को हम लोगों ने मतलब जब बॉयल किया है तो उसके जो पानी था उसके अंदर हम लोगों ने नमक शामिल किया था और फिर उसको बॉयल किया। तो अब मम्मा तह लगाएंगे इसके अंदर। हाँ जी, मैंने एक बहन का फ़ोन आया था कि बाजी आप ना हमें फिर बिरयानी बना के ना दिखाएं,
वैसे तो बिरयानी की काफी सारी रेसिपीज हमने शेयर की हुई है, हैदराबादी बिरयानी भी है, बम्बई बिरयानी भी है। तो मैं ना अब उनकी फरमाइश पे ना बना रही हूँ। आज गर्मी भी इधर इतनी ज्यादा है हमारे शहर में, तो तबीयत भी मेरी ठीक नहीं, सर में भी मेरे दर्द हो रहा है, तो बस गर्मी बहुत है, लाइट बहुत जाने लग गई है हमारे इधर, अल्लाह खैर करे। और ये देखे ना मैंने ऐसे ना टैन लगा देनी इसे, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो गई ऐसे लोड शेडिंग का जोन सा है वो भी मतलब रुझान बढ़ गया, बिजली बंद होने लग गई है, बिजली की जो शॉर्ट फॉलिंग है वो ज्यादा हो गई है। अब मैं ना दो तैन लगा रही हूँ इसमें, ठीक है। तो वो पुदीना भी मामा आपने रखा हुआ, तो आपने मतलब कहा था कि वो भी मतलब उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे जब आप तह लगाएंगे। अच्छा जी, तो ये लग रही है दूसरी तह, बस आप बनाए इंशाल्लाह बहुत मजे की बनेगी। ये मैंने सारा ना मसाला इसमें डाल देना है, वो अपनी मर्जी से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं मसाला, क्योंकि कई बच्चे नहीं खाते मसाला ज़्यादा। इमली भी मैंने डाल दी थी, इमली के हिस्से के साथ ना खट्टा हो जाता है, ज़्यादा टेस्टी सा बन जाता है। अभी मसाला और है, से रिमेनिंग चावल है वो भी हम इसके ऊपर तह लगा देंगे। हाँ जी, ये ना चावल सारे, बिस्मिल्लाह। देखिए गरम गरम है, बातें लिखा रही हैं इसमें, खाना कौन सा पकाना गर्मी में आसान है? बिल्कुल भी नहीं जी, घर वाले तो फरमाइश कर देते हैं, ये पका रहे हैं वो पका रहे हैं, बच्चे भी मियाँ जी भी कर देते हैं, तो फिर गर्मी में जो ने पकाना पड़ता है ना औरतों को, उन्हें ही पता चलता है। ये देखें, अच्छा ये है पुदीना, इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी। ये मैंने डाला, कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है, मतलब व्हाइट के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा। और ये ब्लास्ट पे जो सा आप डाल रहे हैं ये है, हाँ दूध में भी डाल के ना मतलब रंग डाल सकते हैं, तो वो पानी में भी, मैं वैसे ही सूखा डाल रही हूँ रंग, इंशाल्लाह ये वो भाप में मतलब हो जाएगा। हाँ जो भाप क्या होगा पानी उसी के साथ हो जाएगा। अब मैं ना इसे दम पे रख देती हूँ, फिर 10 मिनट बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स इसको हम लोग दम पे रख रहे हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपको दोबारा देखते हैं कि आपकी जो सी हमारी रेसिपी फाइनल हो चुकी है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है, और पुदीने की जो एक ज़बरदस्ती खुशबू आई है ना, उसको तो क्या ही कहना। हाँ जी, इसे आप मिक्स करते हैं, जैसे मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर्स हमारी जो सी आज की रेसिपी है बम्बई बिरयानी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। मज़ेदार सी गर्मा गर्म बिरयानी, चिकन भी गल गया और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये पुदीने की वजह से। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, तो आप लोगों ने जैसा भी कर ज़रूर ट्राई करना है, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो देकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।